Students, welcome again. Today we are going to proceed to the next chapter of the physics of class 9th. In class 9th chapter 1 we have discussed about the motion, but we don't know what is the reason, what is the cause of motion. We had not discussed about the cause of motion, but here in chapter 2 we are going to discuss the cause of motion. मोशन जो हो रही थी चैप्टर फर्स्ट में, उस मोशन के कारण के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, बट हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द काउज ऑफ मोशन. उस मोशन की काउज क्या थी? तो मोशन की काउज की बात करें तो एक ही वर्ड है, डैट इज फोर्स. फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप ऑफ मोशन. वो फोर्स ही है रिस्पॉन्सिबल जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टॉप कर सकता है या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को इन कंडीशन ऑफ मोशन में ला सकता है और उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. वो फोर्स ही रीजन है. यहाँ पे हम लोग फोर्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं. यू ऑलरेडी नो द टाइप ऑफ फोर्सेज. आप पहले से जानते हैं टाइप ऑफ फोर्सेज कौन कौन सी है. जैसे यदि बात करें कॉन्टेक्ट फोर्स की, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, ये सारे मस्कुलर फोर्स की, ये सारे टाइप ऑफ फोर्सेज हैं विच वी हैड ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लास. हम लोगों ने पहले पढ़ा था. यहाँ पे हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस ना करके फोर्स को, जब एक साथ टू और मोर देन टू फोर्सेज हो देन व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएटेड, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. हम लोग उसे डिस्कस करने वाले हैं. उसमें एक फोर्स की मैं यहाँ एक फोर्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, विच वी लर्न इन नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि दो मासेज हो यदि, तो ये दोनों मासेज एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है. इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. यदि आप अर्थ की बात करें तो अर्थ इज अ ह्यूज मास, बहुत बड़ा मास है, और अर्थ के कॉन्टेक्ट में जो भी अर्थ के एक रेंज में एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है अर्थ से, एक सर्टन डिस्टेंस पे, तो अर्थ उस पे क्या करती है, एक फोर्स अप्लाई करती है, और इस फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. यदि ये अर्थ है और इस ऑब्जेक्ट की मास बात करो तो इस पे ये अर्थ कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, दैट टोटली डिपेंड अपॉन द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, बिकॉज मास ऑफ द अर्थ विल फिक्स. सो फोर्स अप्लाइड बाई अर्थ ऑन दैट ऑब्जेक्ट विल कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द मास एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट. और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से इस ऑब्जेक्ट में जो एक प्रॉपर्टी होता है दैट इज कॉल्ड द वेट. वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स. वेट भी एक टाइप का फोर्स ही है जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है. यह है फोर्स के बारे में. हम लोगों ने पहले से पढ़ा कि फोर्स विल ऑलवेज अप्लाइड इन टर्म ऑफ पुल और पुश. आप फोर्स को हमेशा या तो एक पुल के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो या फिर एक पुश के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो. ये दो तरीके हैं फोर्स को अप्लाई करने का. यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जब टू फोर्स हो और मोर देन टू फोर्स हो तो उस कंडीशन में क्या होगा. हमेशा एक रिजल्टेंट फोर्स, ऑलवेज अ रिजल्टेंट फोर्स कैन चेंज द पोजिशन और क्रिएट द मोशन. एक रिजल्टेंट फोर्स ही कर सकता है. लेट डिस्कस. आप एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करो ऐसे, ठीक है. इस पर आपने क्या किया, एक फोर्स मान लो कि इस तरीके से आपने एक इस पर एक पुल क्रिएट किया इस डायरेक्शन में. फिर इस पर आपने क्या किया है, एक और पुल क्रिएट किया है इस डायरेक्शन में. तो इस पर आप दो फोर्स अप्लाई कर रहे हो. यदि ये एफ है तो इसे आप कंसिडर कर लो कि ये एफ इस डायरेक्शन को यदि आप पॉजिटिव मानते हो देन दिस डायरेक्शन शुड निगेटिव. तो ये दो फोर्स है. तो यदि दोनों अमाउंट में सेम है बट सिर्फ डायरेक्शन चेंज है. यदि आप इस निगेटिव साइन को, चलो यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, एफ वन और एफ टू की मैं बात करता हूँ सिर्फ, और ये दोनों एफ वन इक्वल एफ टू है, देन मुझे ये बताइए कि वाट कैन दिस बॉल डिस्प्लेस और नॉट. ये बताना है कि क्या इस तरीके से यदि आप इस पे दो फोर्स इक्वल, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंज होने वाला है. देन योर आंसर विल नो, देयर विल नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ दिस बॉल, बिकॉज इस पे जो दो फोर्स लग रहा है ना
उस फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स कुछ है ही नहीं, मीन्स दीज टू फोर्स आर कॉल्ड द बैलेंस्ड फोर्स। ये दोनों फोर्स क्या है, बैलेंस फोर्स है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं एंड इनका मैग्नीट्यूड सेम है। सो दीज टू फोर्स आर कॉल्ड द बैलेंस फोर्स। यदि मैं इसमें कुछ और फोर्स भी अप्लाई कर दूँ, एक इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया और फिर मैंने इधर भी एक फोर्स अप्लाई कर दिया, अब एक और फोर्स की अब बात कर लूँ, ऐसे मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया और ये फोर्स भी F3, F4, F5 and F6 है, तो इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे एक फोर्स है, तो फोर्स 4 एंड फोर्स 6 ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस है, फोर्स 3 एंड फोर्स 5 ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस है। देन इस ऑब्जेक्ट में देयर विल बी नो एनी रिजल्टेंट फोर्स एंड दिस ऑन दिस ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट विल कीप इन देयर ओरिजिनल पोजिशन, इट विल नॉट चेंज देयर पोजिशन। ये अपने पोजिशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाला है, ये लगातार इसी पोजिशन में बना हुआ रहेगा, बिकॉज देयर इज नो एनी रिजल्टेंट फोर्स, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इस पर जितने ही फोर्स लग रहे हैं ना और आर इन बैलेंस कंडीशन, एंड दिस ऑल फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स, फोर्स एफ और फोर्स सिक्स और फोर्स एफ ये दोनों क्या है, बैलेंस फोर्स है। ये वन और टू एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और इस ऑब्जेक्ट पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो रिजल्टेंट में क्या हो जाएगा, जीरो। सो नो फोर्स, नो डिस्प्लेसमेंट, नो चेंज इन पोजिशन। नेक्स्ट इसके बाद यदि बात करें, नाउ डिस्कस द अनबैलेंस फोर्स। व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स की यदि बात करो तो मैं एक इस तरीके के बॉक्स को कंसीडर करता हूँ, ठीक है, ये ग्राउंड पे ऐसे एक बॉक्स है, ग्राउंड पे ऐसे एक बॉक्स है और इससे इस पे एक फोर्स आप इस डायरेक्शन में ऐसे एक पुश फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, और एक इधर से भी एक फोर्स है, इस पे एक और फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर से भी एक पुश, ये है F1 फोर्स एंड ये है F2 फोर्स। और यदि मैं बात करूं कि F1 इज ग्रेटर देन F2 देन व्हाट विल हैपन, इन विच डायरेक्शन बॉक्स शुड बी डिस्प्लेस्ड, किस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस करेगा, ऑब्वियस। ये यदि आप बात कर लो कि ये फोर्स थी 10 न्यूटन की और ये फोर्स थी 8 न्यूटन की, तो इस फोर्स को ये इधर से कोई एक जो फोर्स अप्लाई हो रहा 10 न्यूटन का है, ग्रेटर फोर्स है, और उसके अपोजिट में जो एक फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 8 न्यूटन का लेस फोर्स है, देन देयर शुड बी अ रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ पे हमें एक रिजल्टेंट फोर्स मिलने वाला है, वो कितना होगा, 10 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन यदि आप कर दो तो यू विल गेट टू रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ट्यून 2 न्यूटन। यहाँ पे आपको ट्यून 2 न्यूटन का एक रिजल्टेंट फोर्स मिलने वाला है एंड दैट रिजल्टेंट फोर्स विल चेंज द पोजिशन ऑफ दिस बॉक्स एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द अनबैलेंस फोर्स। इस टाइप के फोर्स की को बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट्स होता है उसमें रियल सिचुएशन में एक टाइप की फोर्स नहीं लग रही होती है, मोर देन टू टाइप, मोर देन थ्री इस तरीके से फोर्स लग रही होती है, तो उस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा या नहीं, उसके पोजिशन में चेंज होगा या नहीं, डेट ऑल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फोर्सेज। इफ फोर्सेज आर इन बैलेंस कंडीशन देन देयर विल नो चेंज इन पोजिशन एंड इफ द फोर्स आर इन अनबैलेंस कंडीशन देन देयर विल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और रिजल्टेंट मोशन उस ऑब्जेक्ट में हो रही होगी। ये हम लोगों ने बेसिक फोर्स के बारे में, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा और फोर्स के बारे में पढ़ा कि फोर्स विल ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश। ग्रेविटेशनल फोर्स की आप बात करो तो वो भी क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है। यदि आप स्प्रिंग फोर्स की बात करो तो वो भी एक पुल होता है या पुश होता है। मस्कुलर फोर्स भी अप्लाई करते हो, मैं यहाँ पे लिखने के लिए एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ बोर्ड पे, वो कैसा है, पुश फोर्स है। यदि आप किसी बैग को ऐसे हैंग करते हो वो कैसा है, एक पुल फोर्स है। तो फोर्स विल ऑलवेज एक्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश। स्टूडेंट हेयर वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स एंड सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ फोर्स। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक लॉज ऑफ मोशन एंड गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। टिल देन टेक केयर।